हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बची हुई इडली का इतना क्रिस्पी और मज़ेदार नाश्ता जो बच्चों के साथ साथ बड़े भी खाना पसंद करेंगे। ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कितना अच्छा बना है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक बाउल में 5 से 6 इडली ली है। अब हम इन इडली को हाथों से क्रश कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से सभी इडली को हम हाथों से क्रश कर लेंगे। देखिए मैंने सभी इडली को क्रश कर लिया है। अब हम इसके अंदर आलू डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 उबले हुए आलू डाले हैं। अब हम इन्हें भी अच्छी तरह से हाथों से मैश कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 2 कटे हुए प्याज, 1 कटी हुई शिमला मिर्च डालूंगी जिसमें हमने चॉपर में चॉप कर लिया था। अब हम इसके अंदर खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे और साथ में ही हम इसके डालेंगे कुछ मसाले। हल्दी पाउडर 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच ब्लैक पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच बेसन डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें सभी सब्जियों को और आलू सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। इसका एक अच्छा सा डव बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इसके अंदर 2 चम्मच बेसन और डाला है। बेसन से हमारे टिक्की की बाइंडिंग अच्छी बैठेगी और खाने में इसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा। मैंने सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और एक डव बना लिया है। अब हम हथेली पर इसकी छोटी छोटी टिक्की बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। इस प्रकार हम सभी की टिक्की बना लेंगे। मैंने सभी की टिक्की बनाकर रख ली है। अब हम इसे एक फ्राई पैन में फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो चुका है और मैं एक एक करके इनको पैन में डाल दूंगी। हमें यहाँ पर ज़्यादा तेल नहीं डालना है, हमें इन्हें सेलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है और गैस को हमें मीडियम ही रखना है। देखिए हम इसे अलग पलट कर दोनों साइड से अच्छी तरह से सेकना है हमें इनको। देखिए हमारी टिकिया कितनी अच्छी तरह से कुरकुरी हो और क्रिस्पी लग रही है। इस तरह से मैं इसे दोनों तरफ से ऐसे ही अलट पलट कर सेक लूँगी जब तक ये टिकिया कुरकुरी नहीं हो जाए। इन्हें सेकने में कम से कम 4 या 5 मिनट लगेंगे। देखिए हमें टिक्की को ऐसे पलटते रहना है और एकदम इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी टिक्की का कलर कितना अच्छा हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब ऐसे ही जो बची हुई टिक्किया है वो भी ऐसे ही हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे भी फ्राई कर लेंगे। इनको भी हमें ऐसे ही अलट पलट कर दोनों तरफ से सेकते रहना है। इनका कलर जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए दोनों तरफ से। देखिए फ्रेंड्स, हमारी टिक्किया बनकर तैयार हो चुकी है, कितनी अच्छी लग रही है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी टिक्की बनकर तैयार है। अगर आपको यह मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसे बनाकर एक बार ज़रूर देखिए। बाय बाय।